फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक्निकल टेक नीरज पर। तो दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयर होने एक वेटिंग स्केल्स, ये इलेक्ट्रिक कांटा आया हुआ है। आप देखिए, इलेक्ट्रिक कांटा, ये हमें इसे रिपेयर करना है। फिर पहले तो ये देखना है कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। हम इसे यहाँ से ऑन करते हैं। ये देखिए, सब वायरिंग लगी हुई है और यहाँ से ऑन कर दिया हमने। अब देखते हैं इस इलेक्ट्रिक कांटा में क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चालू हो गया है। पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप इसके नंबर बढ़ते हैं और घटते हैं, और ये माइनस का ये मार्क कर रहा है। तो हम ये वाली प्रॉब्लम है इसमें। अब हम इसको खोल के देखते हैं और फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैं इसमें बेट भी रख रहा हूँ। ये देखिए आप, तो कोई बेट भी नहीं बढ़ रहा है और ये नंबर माइनस में आ रहे हैं, और ये घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में है। ये बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको अब हम इसे रिपेयर करेंगे। मैं इसे ओपन करता हूँ। तो हमने इलेक्ट्रिक कांटा को खोल लिया है, इसके ढक्कन को खोल लिया है, और इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा मैं कैमरा को जूम करता हूँ तो आप देखिए, है ना। इसकी प्रॉब्लम ये है, ये देखिए आप, यहाँ पर कस्टमर ने क्या है, खुद ब खुद इसे अपने हाथों से वायर को छीला है और वायर को कस्टमर ने खुद लगा दिया है। और ये नंबर बढ़ने और घटने का कारण ये है कि क्या है, ये जो वायर है ना, ये वायर एक दूसरे से टच हो रहे थे, इस कारण से नंबर बढ़ रहे थे और घट रहे थे। तो फ्रेंड्स, इन वायरों को हम सबसे पहले सोल्डर आयरन से इन्हें ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद मैं ज्वाइंट करने के बाद आपको फिर से चेक करके दिखाता हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो मैं पहले इसे ज्वाइंट कर लेता हूँ इन वायरों को। फ्रेंड्स, एक ये वाली प्रॉब्लम हो गई, और दूसरी प्रॉब्लम अगर इसी तरह से और प्रॉब्लम आती है तो मैं इसी वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी करा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है, आप ये देख रहे हैं, ये लोड है, लोड से आई हुई ये वाली लीड है। सबसे पहले आप अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो क्या होता है, आपने अंदर तो खोल कर देख लिया है, अगर कभी कभी के अंदर अगर सही है तो आप ये वाले सॉकेट को देखिए। अगर आपने अंदर खोल कर देख लिया है तो अंदर के वायर अगर सही हैं तो आप ये वाले सॉकेट को सबसे पहले आप इसे खोलिए और खोल करके देखिए। कभी कभी इसके वायर भी टूट जाते हैं अंदर से, और क्या रहता है, कभी कभी क्या रहता है, कस्टमर जो क्या करते हैं, इसको ऐसे करके खींचते हैं, इसको ऐसे खींचते हैं, तो कुछ लोग वायर से खींच देते हैं तो वायर टूट जाते हैं, तो एक दूसरे से टच हो जाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है फ्रेंड्स। तो मैं आपको अब इसे जॉइंट वायर को जॉइंट करके आपको मैं फिर से चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं। इस तरीके से घटते बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम सोल्ड करते हैं वायर को। फ्रेंड्स, हमने सोल्डरिंग कर दी है इन वायरों में। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से सोल्डरिंग की है। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना, सोल्डरिंग कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स, देखिए आप, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कांटा चालू है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको कैमरे में नंबर कटे हुए दिख रहा है, एक्चुअली में नंबर बिल्कुल सही है। वो कैमरे के कारण, देखिए मैंने इसमें आधा किलो को हमने इसमें बांट रखे हुए हैं फ्रेंड्स। देखिए 480 ग्राम दिखा रहा है, क्योंकि ये वाट में कमी, काफ़ी पुराना वाट है फ्रेंड्स, है ना। ये देखिए, हमने इसमें वजन रखते हैं। अब देखिए आप, अपना कांटा सही बता रहा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर इसमें जो नंबर आपको कटे हुए दिख रहा है, ये डिस्प्ले में हल्की सी प्रॉब्लम है, बट ये वेट बिल्कुल ही सही बता रहा है, बहुत ही सही वेट बता रहा है ना फ्रेंड्स। कांटा रिपेयर हो गया है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप ये वाले सॉकेट है ना, इनमें के अंदर जो वायर, चार वायर, इनमें एक ये लीड है, इनमें चार वायर होते हैं, ये चार वायर जुड़े हुए हैं,
इन चारों वायर और अंदर जो सॉकेट लगा हुआ है इसका सॉकेट, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, ये सॉकेट है जहाँ हमने पहले वायर जोड़ा है अभी, है ना। तो इन वायर में कलर कोड को आप मिला लीजिए और उसके बाद कलर टू कलर आप वायर को लगाइए, जिससे कि एक ही बार में आपका वेटिंग स्केल ठीक हो जाए।